खबर सीमलवाड़ा डूंगरपुर से। कोरोना महामारी में जहां आमजन और किसान परेशान है, वहीं सही कसर सीमलवाड़ा जल संसाधन विकास विभाग अधिकारियों ने पूरी कर दी। सीमलवाड़ा क्षेत्र में पिछली रात को वात्रक तालाब के आगे गजपुर तालाब का पानी अचानक बिना सूचना के छोड़ देने से किसानों की लगभग तैयार फसल चौपट हो गई। इसको लेकर किसानों में रोष है। अमूमन हर साल किसान इस वात्रक तालाब पेटे में मूंगफली, पशुओं के लिए बाजरी की फसल करते हैं। ये फसल 25 जून तक लगभग तैयार हो जाती है, लेकिन बीती रात अचानक आगे के तालाब के गेट खोल देने से क्षेत्र के लगभग 80 से 100 किसानों की लाखों रुपए की फसल बर्बाद हो गई। किसानों की तालाब के पेटे में लगभग 150 बीघा काश्त की जमीन है, जहां पर काश्तकारी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। वहीं किसानों के रोष को देखते हुए विभाग ने अथाह जल राशि नाले के माध्यम से फालतू बर्बाद हो रही है। सहायक अभियंता अशोक रैगर ने बताया कि गजपुर तालाब में गेट मरम्मत कार्य होने से गेट को खोला गया है। गेट खोले जाने की सूचना आमजन और किसानों को नहीं दे पाए। जल वितरण प्रबंधन कमेटी अध्यक्ष अमृत लाल पाटीदार ने बताया, जब किसानों को सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता थी, उस समय विभाग ने कमेटी की मांग को खारिज कर दिया। अब किसानों की तैयार फसल को बर्बाद किया गया, किसान परेशान है। किसानों ने विभाग से मुआवजा देने की मांग की है। मैं इस वक्त वात्रक का तालाब किनारे खड़ा हूँ, जहाँ पर यहाँ पर बड़ी संख्या में किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। गर्मियों के दिनों में यहाँ के आस पड़ोस के काश्तकार अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर करने को लेकर मूंगफली, बाजरी, घास समेत फसल यहाँ पर करते थे, लेकिन अभी उनका सपना ये अधूरा होता नजर आ रहा है। कारण कि गजपुर तालाब से जल संसाधन विभाग ने बिना किसी काश्तकारों को सूचना दिए पानी वात्रक तालाब में छोड़ दिया है, जिससे वात्रक तालाब में पानी आने से आसपास के किसानों की फसल बुरी तरह से बर्बाद हो गई है। आप पूरा देख रहे हैं नज़ारा, यहाँ का चारों तरफ किसानों की फसल पानी में डूब चुकी है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वैसे भी कोरोना वैश्विक महामारी के चलते आमजन त्रस्त है, किसान परेशान है। दूसरी ओर जल संसाधन विभाग की लापरवाही के चलते किसान और भी परेशान नजर आ रहा है। हमारे तालाब में अनियमित पानी आने से गजपुर तालाब का रिपेयरिंग का काम चल रहा था, जिसका पानी वात्रक डेम में छोड़ा गया और पानी ज़्यादा बढ़ जाने से किसानों की जो फसल गर्मी की फसल बोई हुई थी मूंगफली, मूंग वो नष्ट हो गया। इसके बाद में हमारे को बिना सूचित किए फंड अधिकारी द्वारा यानी एजेंट साहब द्वारा ये पानी जो है वो गजपुर का पानी वात्रक में डाला गया और वात्रक का पानी जो है व्यर्थ पानी नाले में डाल दिया गया, जिससे अंदर वाले किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ा और ये व्यर्थ पानी जो हमारा संगम का जा रहा है किसानों के लिए भी नुकसान हो रहा है। मेरा नाम गणेश लाल आहारी है, यहाँ का किसान। ये पानी यहाँ पे तालाब में जो आया है गजपुर तालाब का है, जो विभाग ने बिना सूचना दिए गए तालाब के जो गेट खोल दिए और पानी को नाले में डाइवर्ट करके जो पानी को छोड़ दिया गया है, वो पानी सीधा यहाँ वात्रक तालाब जो हमारे यहाँ पे है वहाँ पे ये तालाब में जो पानी अचानक से रातों रात पानी आ गया। यहाँ पे तकरीबन 150 खेडूतों की मिनिमम पर बीघा 2 बीघा जमीन है, तो 150 खेडूतों की जमीन है यहाँ पे। और यहाँ तालाब के किनारे हर साल के प्रति इस साल भी खेती की, तो लोगों ने मूंगफली यहाँ पे बाजरा घास ये सब खेती कर रखी, तो अचानक से पानी छोड़ने विभाग ने हमें ना कोई सूचना दी और ना विभाग ने पानी निकालने की कोई व्यवस्था की, उसके हमें कहे बगैर ही यहाँ पे पानी छोड़ दिया गया। पानी छोड़ने से यहाँ पे मिनिमम तकरीबन 150 बीघा जमीन में पानी घुसने से लोगों की फसल नष्ट हुई। आज इस महामारी में ये कोरोना के चलते हुए आज लोग वैसे भी परेशान हैं घरों में, जो थोड़ी बहुत खेती कर रखी, ये जो मूंगफली है, मूंगफली जो बाजार में बेचते थे थोड़ा बहुत उनको पैसा मिलता था, आज लोग बेचारे बहुत परेशान हैं। और हमें सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं हम कि इस पर कानून जो भी अधिकारी जो इसमें शामिल हैं उन पर कार्रवाई की जाए और हमें आर्थिक दृष्टि से मुआवजा, किसानों को मुआवजा दिलाया जाए। और बस ये कहना चाहता हूं। खबर भारतवर्ष के लिए सीमलवाड़ा डूंगरपुर राजस्थान से गुणवंत कलाल की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।